हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली के एक और अमेजिंग और लेटेस्ट टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर में अपनी टैक्स इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई एक्स्ट्रा फीड भी ऐड कर सकते हैं। यानी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा टैक्स इनवॉइस आता है, अगर हम उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीड उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, जैसे अपनी कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस, अपनी वेबसाइट वगैरह, या अपने किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो हम इनवॉइस के ऊपर शो कराना चाहते हैं, तो इस टीडीएल फाइल की मदद से हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी अमेजिंग टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको टैली की एक अमेजिंग टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से हम टैली सॉफ्टवेयर में अपने टैक्स इनवॉइस के अंदर अपने अकॉर्डिंग कोई एक्स्ट्रा फीड भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बिना इस टीडीएल फाइल के आपको टैली का टैक्स इनवॉइस दिखाते हैं और वहाँ पे हम आपको बताते हैं इस टीडीएल फाइल को लोड करने के बाद किस जगह पे आप अपनी एक्स्ट्रा फीड को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले से एक सेल की एंट्री को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले में आ जाइए, शॉर्टकट के डी, देन यहाँ से अकाउंट बुक में आ जाइए, शॉर्टकट की ए, और यहाँ से सेल रजिस्टर में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की एस, और यहाँ से हम एक सेल की एंट्री को ओपन कर लेते हैं और इसका प्रिंट लेने के लिए ओल्ट प्लस पी, देन विद प्रीव्यू करते हुए एंटर प्रेस कर देते हैं और जूम करने के लिए ओल्ट जेड। तो अभी आप देखेंगे ये टैली सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट एक सेल का इनवॉइस है और ये सारी फीड टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है, इन सब को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस टीडीएल फाइल की मदद से हम नीचे की तरफ अपने अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रा फीड भी ऐड कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीड ऐड कर सकते हैं जिसमें नीचे की तरफ हम अपनी कंपनी की वेबसाइट वगैरह या कोई भी अपनी टर्म एंड कंडीशन हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी टीडीएल फाइल है और किस तरीके से वर्क करेगी। तो सबसे पहले इस टीडीएल फाइल को हम टैली सॉफ्टवेयर में लोड कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको एक फ्रेश सेल की एंट्री करके दिखाते हैं और उसका प्रिंट दिखाते हैं। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है एड एक्स्ट्रा फीड इन टैक्स इनवॉइस। इस टीडीएल फाइल को टैली सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए सिंपल आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से आप टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहां से कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर रहते हुए यहां से प्रोडक्ट एंड फीचर में आ जाइए, शॉर्टकट की है T। प्रोडक्ट एंड फीचर में आने के बाद राइट साइड में आपको एक ऑप्शन शो होगा मैनेज लोकल TDL, या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो उसकी शॉर्टकट की F4। इस पर क्लिक करने के बाद आप TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लोड TDL फाइनल स्टार्टअप, इस पर यस कर दीजिए। देन सेकंड ऑप्शन में आपको इस TDL फाइल को यहाँ पे पेश कर दीजिए, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन सिंपल इस TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे TDL फाइल हमारी सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। ये TDL फाइल हमारी TXT फॉर्मेट में है और साथ ही में इसका यहाँ पे सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। आप चाहें तो उसको एजुकेशन मोड और लाइसेंस मोड दोनों में यूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा टैली सॉफ्टवेयर में भी आप इसको चला सकते हैं और ना ही इस TDL फाइल की कोई एक्सपायरी डेट है। तो आइए अब देखते हैं ये TDL फाइल हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है या नहीं। तो इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए हम यहाँ पे एक सेल की एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए और सेल के वाउचर के लिए अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर दीजिए। तो अपन सिंपल हम सेल की एंट्री करते हैं, पार्टी से अकाउंट नेम हम ले लेते हैं कुमार कंप्यूटर, देन उसके बाद यहाँ पे सेल लेजर में सेल्स को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर हम सिंपल ले लेते हैं सैमसंग मोबाइल, इसके यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं 2 पीसेस, देन रेट डाल देते हैं। यहाँ पे हम टैक्स लगा देते हैं CGST@9%, SGST@9%, ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेट हो जाएगा और सिंपल इस एंट्री को यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो सेल की एक एंट्री सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो आइए अब इसका एक बार हम प्रिंट देखते हैं। तो इसका प्रिंट देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से पेजअप की टैप कर दीजिए, जिससे जो हमारी लास्ट एंट्री है वह हमारी वापस आ जाती है, और प्रिंट करने के लिए अपने कीबोर्ड से ओल्ड प्लस पी टैप कर दीजिए और यहाँ पे विद प्रीव्यू करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे सामने टैक्स इनवॉइस आ चुका है और इसको जूम करने के लिए अपने कीबोर्ड से ओल्ड प्लस जेड टैप कर देते हैं।
तो आप देखेंगे सबसे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन शो हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे हमारी वेबसाइट शो हो रही है www.vkmmalik.in, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, और ये पूरा का पूरा आपको लाइट ग्रे पट्टी के अंदर शो हो जाएगा, और आप चाहें तो इसके कलर वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन अगर आपकी कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है, कोई वेबसाइट्स वगैरह है, या कुछ और टर्म एंड कंडीशंस है जो आप बिल्कुल नीचे की तरफ ऐड कराना चाहते हैं, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट टैक्स इनवॉइस के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग TDL फाइल की मदद से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट वगैरह शो कराई है, अगर आप यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन शो कराना चाहते हैं जो आप टैक्स इनवॉइस के अंदर ऐड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी वो ऑप्शन नहीं शो होता, तो इस TDL फाइल की मदद से बिल्कुल इसके फूटर में यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट की जगह अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस TDL फाइल को ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेम रहेगी, और यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है www.vkmmalik.in, इसकी जगह पे आप सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इसे ऐड करने के बाद सिंपल आप इस फाइल को कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद जैसे भी इस TDL फाइल को दोबारा लोड कराएंगे तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी टैक्स इनवॉइस के अंदर अपनी एक्स्ट्रा फीड के अंदर अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टैली की 200 से भी ज़्यादा अमेजिंग TDL फाइल्स हैं, जो टैली के अलग अलग तरीके के वर्क्स एंड फीचर्स का काम करती हैं। तो इन सभी TDL फाइल को अगर आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑफर लाएं, जिसके अंदर आपको टैली ERP 9 विद GST एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर कोर्स मिलेगा, और इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग तरह की आपको इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग्स दी जाएगी, जैसे टैली ERP 9 का प्रॉपर कोर्स 80 वीडियोस लेक्चर के साथ, टैली ERP 9 का एडवांस कोर्स जिसके अंदर 55 वीडियोस लेक्चर दिए जाएंगे, देन इसके साथ टैली ERP 9 के अंदर रियल लाइफ अकाउंटिंग एंट्री, जिसके अंदर जितने भी रियल लाइफ अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, एजुकेशन अकाउंटिंग, म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग, कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग, मेडिकल स्टोर के अकाउंटिंग, होटल अकाउंटिंग एंड मोबाइल शोरूम के अकाउंटिंग, इन सब के ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे, और साथ ही में एक्सेल की प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, एक्सेल की एडवांस 50 वीडियोस लेक्चर के अंदर प्रोफेशनल जीमेल की नॉलेज दी जाएगी, और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP 9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स विद वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। और साथ ही में अगर आप पेरोल प्रोसेसिंग या पेरोल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो पेरोल का प्रॉपर कोर्स इस पूरे कोर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और साथ ही में GST से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इस पूरे कोर्स की कॉस्ट है 500 रुपये, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 500 रुपये के अंदर लाइफ टाइम ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप आप इसको परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।